ये डिजाइन काफी अच्छा है। अरे आप यहाँ? हाँ, वो यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारे वर्कशॉप की लाइट्स ऑन देखी, तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आप बैठिए ना। आप चाय पियेंगे? आपकी चाय का वक्त भी हो गया है ना? हाँ, वक्त तो हो गया है। मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। सब लोग काफी मेहनत कर रहे हो। वो तो है। वैसे आप अपने खाने का ध्यान तो रख रहे हैं ना? हाँ, जब भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खा ही लेता हूं। माफ करना, यहाँ फैक्ट्री में बस यही ग्लास है हमारे पास, लीजिए ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बैठो। चाय ठीक है? हाँ, जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी है, एकदम परफेक्ट। आजकल तो सबको मुझे बताना पड़ता है कि मैं कितनी चीनी खाता हूं। याद है आपको वो डॉक्टर जिसने आपको गलती से कह दिया था कि आपको डायबिटीज है? पूरे 3 महीने तक आपने शक्कर को हाथ भी नहीं लगाया था। वो मेरे जीवन का सबसे बुरा पीरियड था। नो चीनी नो मक्खन। कम से कम उसी बहाने 3 महीने में आपका 5 किलो वजन कम हो गया था। शनाया, तो इस वक्त यहाँ? मैम, वो मैं अपना सेलफोन भूल गई थी यहाँ बस। सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब किया। अरे इनसे तो मिली हो ना तुम उस दिन पूजा के दिन? नहीं नहीं मैम। ये शनाया है, मेरे यहाँ ये इंटर्न कर रही है, और शनाया ये मेरे पति। ये सुरेश मोदी हैं, करण के पापा। मुझे अब चलना चाहिए, देर हो रही है। अच्छा, पता है जब इन्होंने काम शुरू किया था ना तो ये बहुत मेहनत करते थे, दिन रात एक कर देते थे। तुम लोग सब कहते हो ना कि मैं काम इतनी मेहनत और लगन से करती हूँ, ये सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है। मैम मुझे जाना है। पर सच में हम सब तो बहुत डर गए थे हमें वो ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली मीता आंटी ने वो ऑर्डर हमें ही दिया। हमारी कंपनी को भी एक नया ऑर्डर मिला है। वाओ, दैट्स ग्रेट। यू नो व्हाट, ये ऑर्डर हमारी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को हरा कर लिया है। सो नाइस। पूछोगी नहीं किस कंपनी को? किसको? पल्लवी टेक्सटाइल को। व्हाट? या क्या बात कर रहे हो आप, पल्लवी टेक्सटाइल? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
अब मेरी वाइफ ने मुझे बताने का चांस ही कहां दिया? टाइम ही कहां है उसके पास मेरे लिए? क्या मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं? आप नहीं समझो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे तो ठीक है, जो गिफ्ट लाया था वापस देना पड़ेगा। गिफ्ट? आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? हाउ स्वीट, दीजिए ना। आहा, गिफ्ट सुनते ही मैं स्वीट हो गया। ठीक है, सैलरी मिलते ही ले आऊंगा। आप ही ना, चलिए खाना खाइए। शनाया, तुम अचानक कहां चली गई थी? क्या हुआ बेटा? मॉम, मैंने आपसे अपनी इंटर्नशिप की जो बात की थी। हाँ, एक्चुअली मॉम, मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं किसी फैशन हाउस में काम नहीं करती। कोई बात नहीं बेटा, तुम जहां भी काम कर रही होगी वो बहुत अच्छी जगह हो। मेरी बेटी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती, है ना? मॉम, मैं शारदा की फैक्ट्री में काम करती हूँ। शारदा की फैक्ट्री? मॉम रिलैक्स, मॉम मैं बस उसे मिलना चाहती थी, उसे जानना चाहती थी, उसे समझना चाहती थी। मॉम, वो पुराना रूल है ना कि दुश्मन के हर मुंह पर नजर रखनी चाहिए। बस मैं उस पर नजर रख रही थी मॉम, कि आपको बर्बाद करने के लिए वो कौन सा गेम प्ले कर रही है। That's it, मॉम। और ये सब जानते हुए भी उसने तुम्हें काम पर रख लिया? नहीं मॉम, वो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, उसे नहीं पता मॉम। तुम ऐसा नहीं कर सकती बेटा, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। फाइन मॉम, आपने अभी कहा ना कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। बेटा मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ तुम ये सब मेरी मदद करने के लिए कर रही हो। तो माँ बेटी मिलकर ये खिचड़ी पका रही है? पल्लवी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस कदर गिर सकती हो। तुमने अपनी बेटी को ही मोहरा बना दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओ, तो फिर ये तुम्हारी प्लानिंग? क्या चाहती हो तुम, हाँ? शारदा की फैक्ट्री में चोरों की तरह घुसकर तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? बर्बाद तो तुमने हमें किया है, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हमारी जिंदगी में से हंसी छीन ली तुमने, सब कुछ छीन लिया तुमने, प्यार, हंसी, खुशी, सब कुछ छीन लिया तुमने महेश। मुझे ताने देने से अच्छा ये होगा पल्लवी कि तुम पहले अपनी बेटी को समझाओ। तुमने ऐसा किया क्यों? आपको कोई हक नहीं बनता मुझसे कोई भी सवाल करने का, वो हक खो चुके हैं आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की, जबकि उस दूसरी औरत के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिसने मेरी मॉम की जिंदगी बर्बाद की। वो हंसी, वो खुशी, वो प्यार डैड उस औरत के साथ बांट रहे हैं, चोरी चोरी उनसे मिलकर। क्या? क्या ये सच बोल रही है? क्या हुआ बताइए ना अपनी वाइफ को, कहां गए थे आप? ओ, एक्चुअली मुझे शारदा से कुछ काम था तो मैं गया था। ओ, राइट। देखा मॉम, अगर मैं वहां नहीं होती ना तो
तो ये आपसे कभी सच नहीं कहते। क्या सोच कर गए थे तुम वहां? क्या करने गए थे तुम वहां? मेरी बेइज्जती करके तुम्हें चैन नहीं मिला? जो और भी बेइज्जती करनी बाकी है, मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी तुमने, चैन नहीं मिला तुम्हें, और आज भी तुम उस औरत के। मॉम, मॉम, मॉम रिलैक्स, मॉम, मॉम जस्ट रिलैक्स। तुम्हें तो शुक्र होना चाहिए, मुझे धोखा देने के बाद भी आज भी तुम आजाद हो, वरना जेल के अंदर सट रहे होते तुम। तुम हो कि मेरा एहसान मानने की बजाय तुमने मेरे प्यार का तमाशा करके रखा हुआ है। ये मत भूलो कि आज तुम जो कुछ भी हो वो मेरी वजह से हो, मेरे पापा की वजह से हो, वरना तुम्हारी औकात ही क्या थी। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी। मारो, रुक क्यों गए? अब ये भड़ास भी निकाल ही लो तुम। रुक जा महेश, रुक जा। तुम इस तरह पीठ दिखाकर कायरों की तरह नहीं जा सकते। शारदा,
को उसके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत। आई वोंट लीव हर, आई वोंट लीव हर। हेलो। हेलो, मुझे मैम से बात करनी थी। मैं शनाया बोल रही हूँ, कहिए क्या कहना है। जो ऑर्डर हमारी कंपनी को मिलने वाला था वो अब हमारे पास नहीं रहा। क्या? किस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है? हमारा राइवल ग्रुप शगुन टेक्सटाइल्स। शगुन टेक्सटाइल्स? साक्षी, तुम्हारे पति कहाँ काम करते हैं? शगुन टेक्सटाइल्स। ठीक है, मैं बता दूंगी। तो पूरी फैमिली मिलके मेरी मॉम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। पहले उस शारदा ने मॉम का मीता आंटी से ऑर्डर छीना, और अब उस करण ने भी वही किया। किस मिट्टी के बने ये लोग? मुझे कुछ करना होगा। आई हैव टू डू समथिंग। ये सब क्या हो गया? कहीं मैं गलत तो नहीं था? शारदा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया और आज भी दे रही है। बदले में मैंने उसे नफरत के अलावा कुछ भी तो नहीं दिया। पल्लवी, मैं यहां पर इतना थका हुआ आया हूं, तुम एक कप चाय भी नहीं पूछ सकती मुझे? ऊपर से तुम। अरे ये क्या बात हुई, तुम्हें चाय चाहिए तो नौकर से मांग लेते। आप चाय पियेंगे? आपकी चाय का वक्त भी हो गया है ना? हाँ, वक्त तो हो गया है। पीजिए। चाय ठीक है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी पीठ पीछे छुप छुप कर ये काम करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं, मैंने तो। तुम भूल गई शारदा, तुम्हारे नाम के साथ एक और नाम जुड़ा है और वो है मेरा नाम, सुरेश मोदी का नाम। दुनिया भर में जाकर ऐसी बेइज्जती वाले काम करोगी तो तमाचा मेरे चेहरे पर पड़ेगा। ये सब करके कहीं शारदा के साथ मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? चल मुंह खोल। मॉम, ये किस खुशी में? अरे, तूने अपने कंपनी को नया काम दिलवाया है। भगवान करे तू इस तरह और तरक्की करता रहे। अच्छा, सारा प्यार करण के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं? अरे पगली, अरे तेरे लिए भी तो है। मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? प्यार तो आप सिर्फ मुझसे करती है, भी बहुत ज्यादा। ओ हेलो, मॉम मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं, ठीक है ना? मुझसे मुझसे करण मोदी, शारदा मोदी, साक्षी मोदी, दुनिया को दिखाने के लिए तुम लोगों ने अपने नाम के पीछे से मोदी तो हटा दिया, लेकिन मोदी का पीछा करना नहीं छोड़ा। बहुत गलत किया तुम लोगों ने मेरी मॉम के साथ। इसकी पनिशमेंट तो तुम लोगों को जरूर मिलेगी। यू नो, टिट फॉर टैट। करण, तुमने मेरी मॉम के क्लाइंट को छीनकर अच्छा नहीं किया। बहुत अकड़ है ना तुम्हें, इसलिए शुरुआत मैं तुमसे ही करूं। गुड लक करण।